केंद्र सरकार में तीन कृषि कानून के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में रीगल तिराहे पर पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे एक व्यक्ति को नगर निगम की रिमूवर टीम द्वारा जबरन उठाने को लेकर विवाद हो गया। दरअसल जयेश पारचे नामक व्यक्ति, जो खुद को आम आदमी पार्टी का सदस्य बता रहा है और कृषि कानून तीन काले के खिलाफ जयेश पारचे आमरण अनशन करने की चेतावनी दी। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा किसानों के तीन काले कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जयेश को जबरन अनशन स्थल से हटा दिया, जिससे नाराज जयेश पारचे ने निगम के कर्मचारियों पर भ्रष्ट और कामचोर कहते हुए कहा कि रिगल तिराहे पर मुख्यमंत्री सहित कई राजनीतिक नेताओं के होर्डिंग्स लगे हैं। अभी रिगल तिराहे पर शिवराज सिंह चौहान के होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं। यह कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे, यह जनता के शोषण करने में लगे हुए हैं। हम शांतिपूर्ण आंदोलन करने जा रहे हैं। इंदौर से देवेंद्र खन्ना के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम के कर्मचारी भाजपा के जो बैनर लगे हैं, देखिए वो शिवराज सिंह चौहान का वहाँ पर बैनर है, वो पीछे शिवराज सिंह चौहान का बैनर है, वो आप पीछे देखेंगे वो भाजपा की साठगांठ से वो माउंट लीटर हाई स्कूल का बैनर है। हम पिछली 29 जनवरी से शांतिपूर्ण यहाँ पर विरोध कर रहे हैं किसान आंदोलन के रूप में, जिसके तहत हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि जो तीन नए काले कानून है वो रद्द किए जाए। और उसके बावजूद ये नगर निगम के लुटेरे, कामचोर, हराम की तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी यहाँ से लूट करके ले गए हैं, जिसके ऊपर की लूट का केस दर्ज होगा। ये हमसे रिश्वत मांगते हैं कि हम नहीं हटाएंगे। और ये जो दूसरों जो जिनसे इनकी सेटिंग है, उनके ये बैनर नहीं हटा रहे हैं और हमारे बैनर हटा रहे हैं, क्योंकि ये भाजपा की गुलामी करते हैं, लेकिन तनख्वाह आप हम जैसे लोगों से पाते हैं। ये रिश्वत खोरे हम कामचोर कर्मचारी हैं। अभी जब चुनाव होगा उसके बाद में हम ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर देंगे, क्योंकि जनता इनके नीचता से त्रस्त हो चुकी है। हम शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, लेकिन ये भाजपा के गुलाम है और ये जनता के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये खुद मास्क नहीं लगाते और ये दूसरों का चालान बना रहे हैं। हमारा रोज सामान लूट के ले जाते हैं। जी, भाई की भी स्थिति बनी थी यहाँ पर, वो मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं हमारे साथ में। आपका क्या है यहाँ पर आंदोलन? देखिए, किसानों के समर्थन में पूरे देश में करीब 100 दिनों से ज़्यादा कृषि कानूनों के रद्द होने के लिए हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं एवं करते रहेंगे। अगर मुझे यहाँ से प्रशासन ने हटाया तो मैं जयेश पारचे आमरण अनशन करूँगा उस वक्त तक जब तक कि ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते। आपका नाम जयेश पारचे, क्या है आप संगठन में क्या? देखिए, वैसे तो मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य हूँ एवं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भी मेरा योगदान रहा है, लेकिन यहाँ पर चूँकि ये किसानों से जुड़ा मामला है, इसलिए हमने इसमें कोई हमारी पार्टी का नाम नहीं तोड़ा है। सिर्फ मुद्दा ये है कि किसानों के विरोध में जो तीन काले कानून बनाए गए हैं, उनका शोषण करने हेतु उन्हें निरस्त किया जाए, बस यही है। लेकिन ये जो भ्रष्ट नगर निगम के कामचोर कर्मचारी हैं, वो आप देखेंगे वो शिवराज सिंह चौहान का अवैध होर्डिंग लगा है, मेरे पास में इंदौर कलेक्टर के विरुद्ध सबूत है, इंदौर DIG के विरुद्ध सबूत है, शंकर लालवानी सांसद के विरुद्ध सबूत है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरुद्ध सबूत है। ये स्वयं कानून तोड़ रहे हैं, ये स्वयं जो जिस बात की तनख्वाह पाते हैं उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ये जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और ये हमारे साथ में दुर्व्यवहार, लूट एवं मारपीट कर रहे हैं, तो ये जो है इसको सहन नहीं किया जाएगा। हम इसके लिए तमाम संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे एवं इन नगर निगम के ऐसे कर्मचारियों को कार्य मुक्त करेंगे। आपका नाम? जयेश पारचे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।